हाँ जी, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक? चलो जी, इस वीडियो के अंदर आज हम करने वाले हैं फाइनल लॉ के अंदर इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन के ऊपर। पास्ट ईयर में जितने क्वेश्चन आए, आरटीपी एमटीपी में जितने क्वेश्चन आए, वो सारे क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। आई होप ये आप सबके पास अवेलेबल है। जिनके पास प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन बुक थी उनके पास अवेलेबल है, एंड जिनके पास वो नहीं है वो भी एटलीस्ट टेलीग्राम के पेज से डाउनलोड इसे कर सकते हैं। अगली बात, एक रिक्वेस्ट ये है कि भैया अभी रिसेंटली इंस्टीट्यूट ने अपनी वेबसाइट पे डाला है कि कुछ मॉक टेस्ट वगैरह वो ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। 12 मई 2020 को शायद इंटर का है समथिंग, और 17 मई को शायद फाइनल लॉ का है। एक कसम खा लो, जिनका भी अटेम्प्ट नवंबर हो या फिर अगस्त में हो, उन्होंने ये मॉक टेस्ट पेपर देना जरूर है। गेटिंग इट, ये मॉक टेस्ट पेपर देना जरूर है। ये इसे एक एग्जाम के प्रिपरेशन के रूप में लेके चलो। खासकर हर वो बच्चा जिसने मेरा टारगेट 60+ का बैच लिया है, समझ लो कि बेटा आपके लिए टेस्ट है, ये पेपर है जो इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया है, और आपको इस टेस्ट पेपर को जरूर 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 देना है ताकि पता लग पाए कि हाँ जी हमारी प्रिपरेशन का लेवल क्या था। और इसमें कई अच्छे क्वेश्चन आने की संभावना भी रहती है। इनफैक्ट मैं कहता हूँ कई बार तो क्वेश्चन का जो मेन क्वेश्चन है, मेन एग्जाम का लेवल बेकार होता है और एमटीबी का लेवल अच्छा होता है। कई बार ऐसा भी इंस्टेंसेस आए, तो इसलिए प्लीज़ उसे ज़रूर देना, ठीक है? और ऐसा भी हुआ है कि कई बार पॉसिबिलिटी बनी है कि एमटीबी में से डिप्टो क्वेश्चन कोई उठ के मेन एग्जाम में आ गया हो, तो टेक इट सीरियसली और जरूर देना है, ठीक है? चलिए, नाउ लेट अस स्टार्ट। एक और शर्त है कि ये चैप्टर करने से पहले शर्त यह है कि इस चैप्टर की रिविजन वीडियो जो कि मैंने अपलोड की है, जो कि यूट्यूब चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, उसको देख के आना पहले। बिना रिवीजन वीडियो देखे ये अगर क्वेश्चन आंसर करने बैठोगे तो दिक्कत आ सकती है, ठीक है? तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहला, रिवीजन वीडियो देख के आए हो मैं ये मान के चल रहा हूँ। आगे, अ मेजॉरिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ मेसर्स हाई वैल्यू इन्फोटेक लिमिटेड हैव रियलाइज्ड दैट सम ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी कैरिड आउट इन द नेम ऑफ द कंपनी आर नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ आइदर द कंपनी और इट्स मेंबर्स। मेजॉरिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दे वॉन्ट दैट कंपनी शुड मेक एन एप्लीकेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू अपॉइंट एन इंस्पेक्टर टू कैरी आउट द इन्वेस्टिगेशन एंड फाइंड आउट द होल ट्रूथ। एक्सप्लेन द स्टेप डेट शुड बी टेकन टू अचीव द पर्पस। अच्छा, वो क्या चाहते हैं? दे वॉन्ट द कंपनी शुड मेक एन एप्लीकेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट टू अपॉइंट एन इंस्पेक्टर। अब ये इंस्पेक्टर आके क्या करेगा? इंस्पेक्टर को अगर ये अपॉइंट करना चाहते हैं तो ये इंस्पेक्टर आके क्या करेगा? टू कैरी आउट द इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, कंपनी के कहने पर क्या इन्वेस्टिगेशन हो सकती है? हमने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है सेक्शन 210 के अंदर। सेंट्रल गवर्नमेंट को जब भी 210 में एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है, और दूसरे शब्दों में सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकती है इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट अंडर सेक्शन 208 और इन द पब्लिक इंटरेस्ट और ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड बाय द कंपनी। ठीक हो गई थी बात? तो मोर और लेस क्वेश्चन वहीं लेके जा रहा है जहां कंपनी चाहती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन करे इनटू इट्स अफेयर्स। तो इसके लिए पहले एसआर पास करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बड़ी सीधी सी बात है कि ये यहाँ पे कोई 208 की रिपोर्ट नहीं बनी और पब्लिक इंटरेस्ट का भी कहीं नजर आ नहीं रहा सवाल, तो फिर एसआर पास करना पड़ेगा। द आंसर इज येस। एंड फाइंड आउट द होल ट्रूथ, एक्सप्लेन द स्टेप डेट शुड बी टेकन टू अचीव द पर्पस। अभी एक नया कॉन्सेप्ट इसने पूछा कि कौन कौन से स्टेप्स लिए जाएंगे। ये मतलब मोर और लेस आपसे कंपनी सेक्रेटरी लेवल का सवाल इसने बना दिया ऐसा कहकर। जब तक ये ना पूछता तब तक तो लॉ का ही सवाल लग रहा था, बट फिलहाल अब सेक्शन 210 आपने पूरा ए टू जेड चिपका देना है। ये पूरा का पूरा चिपका दिया है। उसके बाद मैं कह सकता हूं कि ये कहता है कि मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द व्यू, मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स के व्यू से कुछ नहीं होगा बेटा, आपको जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी। जनरल मीटिंग के अंदर मेंबर्स, क्योंकि स्पेशल रेजोल्यूशन मेंबर्स पास करते हैं, ठीक है ना? तो फिर क्या मैं कह सकता हूँ जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी? यस, जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा। यस, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके उसकी एक रिक्वेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी। यस, सेंट्रल गवर्नमेंट उसके ऑर्डर उसके बेसिस पे किसी व्यक्ति को अपॉइंट करेगी इन्वेस्टिगेशन के लिए। यस, क्या ये स्टेप हमने कहीं रटे रटाए हैं या फिर अपनी कॉमन सेंस से ही निकल रहे हैं? कॉमन सेंस है भाई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहते हैं कि ऐसा हो जाए तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जनरल मीटिंग बुलाओ, जनरल मीटिंग में एसआर पास करवाओ, एसआर पास करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करो और रिक्वेस्ट के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो बस वही कार्यक्रम, रंगारंग कार्यक्रम यहां पे लिखा हुआ है, देखिएगा। ठीक है, बढ़ सकते हैं। चले,
क्वेश्चन नंबर टू कहता है व्हाट आर द सर्कमस्टेंस इन विच एन इंस्पेक्टर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 210 कैन इन्वेस्टिगेट इनटू द अफेयर्स ऑफ द रिलेटेड कंपनीज आल्सो। क्या रिलेटेड कंपनीज के अफेयर्स का इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है? द आंसर इज यस। ओहो अच्छा, कब? अगर आपको याद होगा तो सेक्शन 219 इस पे लिंक्ड है। 219 कौन से सर्कमस्टेंस है जब इंस्पेक्टर अपॉइंटेड कैन इन्वेस्टिगेट इनटू द अफेयर्स ऑफ द रिलेटेड कंपनीज आल्सो, सेक्शन 219 की बात करता है। तो 219 एज इट इज पूरा चिपका देना है, क्योंकि 219 का बेस क्या है? 219 का बेस है इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 210, 212, 213। जब इन सेक्शंस के अंदर इन्वेस्टिगेशन चल रही होगी, इन्वेस्टिगेटर को लगेगा कि कहीं ना कहीं दूसरे बॉडी कॉर्पोरेट के बॉडी कॉर्पोरेट को या फिर उनके मैनेजर या एमडी के को भी इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है, तो फिर वो 219 के अंदर प्रोसीड्स कर सकता है। तो बस वही 219 का पूरे का पूरा आपको रेफरेंस लिख कर आना है। राघव ठीक हो गई इतनी बात, चले और आगे बढ़ना शुरू करते हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3, कहता है जी शेयर होल्डर्स ऑफ हाइड एंड सीक लिमिटेड आर नॉट सेटिस्फाइड अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। ओके, इट इज सस्पेक्टेड दैट सम एक्टिविटीज बीइंग रन इन द नेम ऑफ द कंपनी आर नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी और इट्स मेंबर्स। अच्छा, 101 आउट ऑफ द 500 शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी हैव मेड एन एप्लीकेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा बच्चों ने, उसके बाद घूमा दिमाग और सीधा चले गए 101 मेंबर हैं। अच्छा, सेक्शन 213 लगा दिया, क्योंकि वहां पे एक लिमिट है, एटलीस्ट 100 मेंबर और 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। वहीं दिमाग चला गया, ये देखा ही नहीं कि ट्राइब्यूनल को एप्लीकेशन की बात ही नहीं हो रही, बात हो रही है सेंट्रल गवर्नमेंट को। दिमाग का द्वार खुला रखना पड़ता है। 101 आउट ऑफ द 500 मेंबर हैव मेड एन एप्लीकेशन टू द सीजी, और सीजी को एप्लीकेशन 210 में जाती है, या फिर सीरियस फ्रॉड हो तो 212 में जाती है। तो सीरियस फ्रॉड की भी कहीं बात नहीं हुई, तो 210 हो गया। अब सवाल उठा, 210 में रेफरेंस आप देते हो, पहला या तो 208 की रिपोर्ट बनी हो, कोई ऐसा सीनारियो नहीं, पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में कहीं पता नहीं लग रहा, एसआर पास हुआ हो, क्या यहाँ एसआर पास हुआ? कहता 500 में से 101 मेंबर ने एप्लीकेशन सबमिट किया, पता ही नहीं लग रहा है एसआर पास हुआ कि नहीं हुआ। तो मतलब एसआर पास कैसे हो गया, कहीं हुआ ही नहीं है। ये तो ये लिख रहा है कि 101 मेंबर ने बस एप्लीकेशन फाइल किया, तो मतलब इसका मतलब ये है कि एसआर तो पास नहीं हुआ। तो क्या ये एप्लीकेशन मेंटेनेबल है? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो, एब्सोल्युटली नो। तो मैं कह सकता हूँ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन बाई 101 आउट ऑफ 500 शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी टू कैरी आउट द इन्वेस्टिगेशन इज नॉट सफिशियंट एज द कंपनी हैज नॉट पास द स्पेशल रेजोल्यूशन। आई होप क्लियर है एकदम। बैठ सकते हैं आगे, चल। अ ग्रुप ऑफ द क्रेडिटर ऑफ मैक ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड मेक्स एन कंप्लेन टू द ROC हैदराबाद एलिजिंग डेट मैनेजमेंट ऑफ कंपनी इज इंडल्ज्ड in the destruction and falsification of the accounting records of the company. Okay, the complainant requests the registrar to take immediate step to seize the record of the company so that the management may not be allowed to tamper with the records. Okay, the complaint was received at 10 a.m. on 1st of July 2015 and ROC entered the premises at 10:30 a.m. for the search. Examine the power of the registrar to seize the books of the company. Search and seizure कि बात हुई है दो सेक्शंस के अंदर, एक जगह सेक्शन 209 और दूसरी जगह सेक्शन 220। अगर आपको याद हो सेक्शन 209 और 220 के अंदर फर्क क्या था, फिर 209 के अंदर जब हम बात करते थे तो वो होती थी ऑन द बेसिस ऑफ इंस्पेक्शन और इंक्वायरी, और जब हम सेक्शन 220 की चर्चा करते थे तो वहां पर सर्च होता था जब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो ये कहीं इसने कहा है कि ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पूरे क्वेश्चन में कहीं लिखा है? कहता है एलिजिंग दैट मैनेजमेंट ऑफ कंपनी इज इंडल्ज इन डिस्ट्रक्शन एंड फॉल्सिफिकेशन द कंप्लेनेंट रिक्वेस्ट द रजिस्ट्रार टू टेक इमीडिएट स्टेप। कहीं इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रही है। अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रही है और आपको लगता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अकाउंटिंग रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय हो जा सकते हैं कंपनी के, तो क्या सवाल उठा कि यहां पर सर्च किया जा सकता है? द आंसर इज यस, किया जा सकता है। मगर 209 के अंदर जब सर्च किया जाता है तो आपको विद अप्रूवल ऑफ स्पेशल कोर्ट आपको ये करना पड़ता है। क्या यहां स्पेशल कोर्ट की परमिशन है? बड़ा प्यारा क्वेश्चन था ये। कहता है कंप्लेंट 10 बजे रिसीव हुई और ROC 10:30 बजे पहुंच गया, ऐसा लग रहा है गेट के बाहर ही खड़ा था, बट फिलहाल स्पेशल कोर्ट की परमिशन आई नहीं, तो क्या ROC ने जो किया वो वैलिड है? नहीं, अनऑथराइज था ROC ये करने के लिए।
अच्छा क्वेश्चन था बहुत। 200 नो का पूरा रेफरेंस देंगे, पूरा चिपका दिया 200 नो को, और चिपकाने के बाद फिर आपने कहना है कि नहीं जी ऐसा हो नहीं सकता, बेशक 180 दिन के लिए सीज करने की पावर है, एक्सटेंशन मिल सकती है, मगर रजिस्ट्रार मे एंटर एंड सर्च द प्लेस वेयर सच बुक्स और पेपर्स आर केप्ट एंड सीज देम ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग एन अप्रूवल फ्रॉम स्पेशल कोर्ट। यहाँ पे स्पेशल कोर्ट की परमिशन नहीं है, तो इट मीन्स द रजिस्ट्रार इज नॉट ऑथराइज टू डू ऑल दिस, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। अ नोटिस वॉज सेंट टू मिस्टर लेफ्ट बाय द रजिस्ट्रार टू फर्निश द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द बिजनेस ट्रांजेक्टेड ड्यूरिंग हिज टेन्योर इन द एक्स कंपनी। ओके, मिस्टर लेफ्ट इग्नोर्ड द नोटिस कंसिडरिंग दैट ही इज नो मोर एन एम्प्लॉय ऑफ एक्स कंपनी। रजिस्ट्रार इशूड द समन अगेंस्ट मिस्टर लेफ्ट, एक्सप्लेन इन द लाइट अबाउट द लाइट लायबिलिटी ऑफ मिस्टर लेफ्ट। मिस्टर लेफ्ट एक एम्प्लॉय थे, आरओसी ने उनसे इन्फॉर्मेशन मांगी, उन्होंने कहा आरओसी को भिजाना है, कहाँ से दूँ, मैं हूँ ही नहीं यहाँ पर, अब मैं एम्प्लॉय हूँ ही नहीं। सवाल उठा, आप ऐसे मना कर सकते हो कि मैं एम्प्लॉय नहीं हूँ? नहीं कर सकते, क्योंकि आरओसी का अगर नोटिस आया तो सेक्शन 206 सबसेक्शन 2 कहता है कि इवन द पास्ट एम्प्लॉय इज लायबल टू प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन टू द आरओसी, क्योंकि आरओसी का नोटिस आया है, तो वही 206(2) का रेफरेंस देना है, बट 206(2) सीधा कहोगे तो वो गलत हो जाएगा, तो इसलिए 206(1) से शुरू करो, उसके बाद 206(2) पर आओ, लिखो कि भैया ये 206(2) की लाइन है कि अगर पास्ट एम्प्लॉय भी था तो भी उसको इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है, वो इन्फॉर्मेशन को डिनाई नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो कंक्लूजन, दस मिस्टर लेफ्ट इज लायबल टू प्रोवाइड सच इन्फॉर्मेशन। जो ये पहली बार कोई वीडियो देख रहे हैं पास्ट ईयर पे, ध्यान रखना क्वेश्चन को 3 स्टेप्स में सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले उसका रेलेवेंट प्रोविजन लिखा जाता है, बिल्कुल बेस से शुरू करना। जैसे अगर मैं यहाँ 206(2) लिखूँ तो 206(2) कितना है, बस इतना है, और चार नंबर के क्वेश्चन के लिए इतनी लेंथ बनाऊंगा तो मिलेगा क्या मुझे बाबा जी का ठुल्लू। इसलिए 206(1) से बेस बनाना शुरू करो, 206(1) क्या कहता है, फिर 206(2) पे आओ तो आपकी लेंथ कवर हुई। 6 नंबर का 4 नंबर का क्वेश्चन आया तो लेंथ कवर हुई, तो आपने रेलेवेंट प्रोविजन दिया। उसके बाद गिवन केस के बारे में मेंशन करो, और सबसे लास्ट में आता है कंक्लूजन, हो सके तो कंक्लूजन को हेडिंग जरूर देना, कंक्लूजन कंक्लूजन, बस ये 1, 2, 3 मैक्सिमम 3 लाइनर होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े चले क्वेश्चन नंबर 6। कहता है जी ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशंस कंडक्टेड ऑन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी इन द पब्लिक इंटरेस्ट द इंस्पेक्टर ऑब्जर्व्ड दैट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हैड बीन एक्टेड ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ द होल्डिंग कंपनी एंड ही प्रोसीड्स टू इन्वेस्टिगेट द होल्डिंग। डायरेक्टर होल्डिंग कंपनी के कहने पर काम कर रहा है, तो क्या होल्डिंग कंपनी का इन्वेस्टिगेशन हो सकता है? द आंसर इज येस। अच्छा, कैसे लिखा है, कहाँ लिखा है होल्डिंग का इन्वेस्टिगेशन हो सकता है? सेक्शन 219 में लिखा भाई कि कंपनी की होल्डिंग का, कंपनी की सब्सिडरी का, होल्डिंग की किसी और सब्सिडरी का इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो, उस बॉडी कॉर्पोरेट का इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो जो कि इस कंपनी की डायरेक्शन पे काम करती है, उस बॉडी कॉर्पोरेट का इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो जिसको इसी कंपनी के एमडी और मैनेजर मैनेज करते हैं, कंपनी के एमडी और मैनेजर का भी आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। तो ये बात कहाँ लिखी है, 219 में। तो क्या होल्डिंग कंपनी के इन्वेस्टिगेशन की बात की है? हाँ, कहाँ की है, 219 में। तो 219 पूरा चिपका सकते हैं, यस। 219 किस पे, कब शुरू के, मतलब का लिंक क्या है, उसका लिंक है 210 212 213 का इन्वेस्टिगेशन जब चल रहा था, वहां पर इंस्पेक्टर को लगा कि इट इज नेसेसरी टू इन्वेस्टिगेट द अफेयर्स ऑफ टैन 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 टैन, पूरा 219 चिपकाया। तो इसका मतलब क्या होल्डिंग कंपनी का इन्वेस्टिगेशन हो सकता है? हाँ, बट एक बात का ध्यान रखना, जिसका मुंह काला किया हुआ है, कि 219 कहता है कि अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो यू कैन डू इट ओनली सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। कोई दिक्कत नहीं आई थिंक। चले नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7। कहता है जी डिसेंट मार्बल्स लिमिटेड हैड बीन इनकरिंग बिजनेस लॉसेस फॉर द पास्ट कपल ऑफ ईयर्स। The company therefore passed a SR for the voluntary winding up. अच्छा, voluntary winding up, ठीक है। Meanwhile, complaint was made to the tribunal and the CG about the foul play of the director of the company. मतलब director ने गलत किया है, इसकी complaint की गई, which adversely affected the interest of shareholder of the company as well as the public.
इन द सिचुएशन एडवाइज वेदर द इन्वेस्टिगेशन में बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द कंपनी अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक 2013। क्या कंपनी अगर वाइंडिंग अप के अंदर हो तो भी इन्वेस्टिगेशन चलता रहेगा? यस, ये बात कहाँ लिखी है? सेक्शन 226 में। सेक्शन 226 क्या कहता है कि सपोज कंपनी का केस, कंपनी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चल रही है और कंपनी का केस 241, कंपनी के खिलाफ 241 की एप्लीकेशन गई है, कंपनी वॉलेंटरी वाइंडिंग अप के अंदर चल रही है, और या फिर कंपनी का केस ट्राइब्यूनल के पास पेंडिंग है। वो कहता है, अब जैसे यहाँ पर पास द स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर द वॉलेंटरली वाइंडिंग अप, तो कहता है इन घटनाओं के बावजूद भी इन्वेस्टिगेशन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन एज इट इज चलती रहेगी। इनफैक्ट अगर ट्राइब्यूनल ऑर्डर करता भी है इन्वेस्टिगेशन का, स्टिल ट्राइब्यूनल को इन्वेस्टिगेटर बता देगा सर कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कंपनी का, तो ट्राइब्यूनल अपना ऑर्डर पास करते हुए इस बात का ध्यान रखेगा कि कंपनी का कभी भी इन्वेस्टिगेशन की जब भी रिजल्ट आएगा तो फिर मॉडिफाई ऑर्डर हो जाएगा, वाइंडिंग अप का ऑर्डर सूटेबली मॉडिफाई हो जाएगा, ट्राइब्यूनल इस बात का ध्यान रखेगा, ठीक है ना। मोर ओवर सेक्शन 226 कहता है कि अगर वाइंडिंग अप हो भी गया तो इट डजंट मीन्स कि कंपनी के डायरेक्टर ऑफिसर्स वगैरह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से एब्जॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के लिए उनकी लायबिलिटी कंटिन्यू रहेगी। ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने रिवीजन के अंदर भी बताया, ये सारा यहां 226 में एज इट इज लिखा हुआ है। तो मैं कह सकता हूं कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वॉलेंटरी वाइंडिंग अप द इन्वेस्टिगेशन विल प्रोसीड और विल गो ऑन एज इट इज। आंसर इज यस, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है प्रोवाइड वेरियस ग्राउंड ऑन विद द इन्वेस्टिगेशन इज असाइंड टू द SFIO। SFIO के केस जाने के कौन कौन से कारण हैं? सेक्शन 212 से शुरू करोगे, हालांकि आप यहां सेक्शन 211 से शुरू भी कर सकते हो। सेक्शन 211 का लिख सकते हो कि फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ द सीरियस फ्रॉड्स सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय द नोटिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूट SFIO, बस इतना लिख सकते हो। नहीं लिखना कोई दिक्कत नहीं, 212 से शुरू करो कि सेक्शन 212 कहता है SFIO के पास केस कब जाता है। चार केसेस है, पहला ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट अंडर सेक्शन 208 where the central government considered it necessary in the public interest on the basis of special resolution being passed by the company in its general meeting, and third on the basis of report by any other department of the central government। बोलो ना। हाँ, तो क्या ये चारों केस यहाँ लिख सकते हो? यस, यही तो चार ग्राउंड थे बस, और क्या। क्वेश्चन नंबर 9, सम क्रेडिटर ऑफ द NTY लिमिटेड अप्रोच यू टू गाइड देम टू अप्लाई फॉर ट्राइब्यूनल फॉर सीकिंग एन ऑर्डर फॉर कंडक्टिंग एन इन्वेस्टिगेशन इन टू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। क्रेडिटर अप्रोच करना चाह रहे हैं ड्यू टू द फैक्ट दैट बिजनेस ऑफ कंपनी इज बिंग कंडक्टेड विद द इंटेंशन टू डिफ्रॉड इट्स क्रेडिटर। क्रेडिटर जाना चाह रहे हैं किसके पास? ट्राइब्यूनल के पास। अच्छा, ट्राइब्यूनल के पास क्रेडिटर्स जाना चाहते हैं, तो भैया एक ही सेक्शन है जो 213 जो इसकी बात करता है। फिलहाल रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट गाइड देम रिगार्डिंग द सर्कमस्टेंस अंडर विच एंड हाउ अ पर्सन नॉट बीइंग अ मेंबर ऑफ द कंपनी कैन अप्लाई टू द ट्राइब्यूनल टू सीक एन ऑर्डर फॉर कंडक्टिंग एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। देखो जी, 213 कहता है कि ट्राइब्यूनल के पास एप्लीकेशन एक तो मेंबर फाइल कर सकते हैं, और कौन कर सकता है? और अदर देन मेंबर कर सकते हैं। अदर देन मेंबर अगर एप्लीकेशन, लाइक क्रेडिटर अगर एप्लीकेशन फाइल करना चाहते हैं तो उन्हें कुछ ग्राउंड प्रूव करना पड़ता है। पहला ग्राउंड क्या कि कंपनी का बिजनेस जो है वो चल रहा है फॉर द फ्रॉडुलेंट पर्पस और टू डिफ्रॉड इट्स क्रेडिटर। सेकेंड चीज, और क्या चीज प्रूव करनी पड़ेगी कि कंपनी जो है, कंपनी का जो फॉर्मेशन और मैनेजमेंट है वो गड़बड़ चल रहा है, मतलब वो अनलॉफुल पर्पस वगैरह से चल रहा है, फ्रॉडुलेंट पर्पस से चल रहा है। द पर्सन इंगेज इन द फॉर्मेशन और मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी आर गिल्टी ऑफ फ्रॉड और मिसफीजांस। और क्या प्रूव करना पड़ेगा? कंपनी अपनी सारी इंफॉर्मेशन अपने मेंबर्स को इंक्लूडिंग द इंफॉर्मेशन ऑन द मैनेजरियल रेम्यूनरेशन नहीं दे रही है। तो ये इन तीन बेसिस पर आप ट्राइब्यूनल के पास एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। ट्राइब्यूनल को अगर लगता है इस एप्लीकेशन के बेसिस पे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्शन देता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन करो। ट्राइब्यूनल के ऑर्डर पर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर होता है, और सही में अगर ये पाया जाता है कि कंपनी का बिजनेस अगर फ्रॉडुलेंट पर्पज से और टू डिफ्रॉड इट्स क्रेडिटर या फिर पर्सन इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन और मैनेजमेंट आर गिल्टी ऑफ मिसफीजांस और फ्रॉड, तो फिर ऑल द कंसर्न शैल बी गिल्टी ऑफ सेक्शन 447। पूरा किसका रेफरेंस दिया मैंने आपको? सेक्शन 213 का, A to Z 213 हमने चिपका दिया यहां पर। तो इस केस में क्या क्रेडिटर कह सकता है?
ट्राइब्यूनल को यस बिल्कुल कह सकता है, प्रोवाइडेड उसको एक ग्राउंड प्रूव करने पड़ेंगे, ये ग्राउंड प्रूव करने पड़ेंगे। ठीक हो गई इतनी बात। चले क्वेश्चन नंबर 10। द बिजनेस ऑफ वीक फैब्रिकेशन लिमिटेड इज कंडक्टेड फ्रॉडुलेंटली एंड द मैनेजमेंट एक्टिविटीज आर नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। द पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 1 करोड़ रुपी। अ ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर नंबरिंग 110 मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग 1/9 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर डिसाइड टू अप्रोच ट्राइब्यूनल टू कैरी आउट इन्वेस्टिगेशन इन टू द कंपनीज अफेयर्स। दे सीक योर एडवाइस ऑन द फॉलोइंग मैटर स्टेट द रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट। कंपनी एक्ट में ट्रिब्यूनल के पास जाना चाह रहे हो, सेक्शन 213 बात करता है एटलीस्ट 100 मेंबर और 1/10 ऑफ द मेंबर हैविंग 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल जो होल्ड करते हूँ, एटलीस्ट 100 मेंबर हो गया पूरा। यस वेदर द ग्रुप कैन मेक अ वैलिड एप्लीकेशन, द आंसर इज येस। पहले 213 एक्सप्लेन करना, 213 एक्सप्लेन करने के बाद ऑन द बेसिस ऑफ द अबव प्रोविजन वी कैन कंक्लूड whether the group can make valid application, yes. other than member can any other person make an application, कर सकता है भाई, ये तो बहुत बड़ा सवाल हो गया। आप other than member application file करना चाहते हो तो तीन ground है, लिखो अभी जिसकी बात की। third, are the applicant required to furnish security for the payment of cost and expenses of investigation? आपको याद हो तो एक section किया था 214 जो कहता है 25,000 रुपये तक आपको जमा कराने पड़ते हैं जो refund हो जाएंगे अगर prosecution शुरू हो जाती है तो। ये तीन चीजों पे क्वेश्चन पूछा है उसने, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। ओरिजिन पेपर लिमिटेड हैज बीन इनकरिंग बिजनेस लॉसेस फॉर द पास्ट कपल ऑफ इयर्स। द कंपनी देयरफॉर पासेस अ स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर द वॉलंटरली वाइंडिंग अप। दोबारा बोल रहा हूँ, ओरिजिन पेपर्स लिमिटेड हैज बीन इनकरिंग बिजनेस लॉस फॉर द पास्ट कपल ऑफ ईयर्स। द कंपनी देयरफॉर पासेस अ स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर द वॉलंटरली वाइंडिंग अप। मीनवाइल कंप्लेंट वर मेड टू द ट्राइब्यूनल एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट अबाउट द फॉल प्ले। ये बिल्कुल पहले वाला क्वेश्चन है, सेम एज अबव, सेम एज अबव। तो 226 की डिप्टो कॉपी था। क्वेश्चन नंबर 12। The registrar after inspection of books of accounts of the PKOR Limited submitted its report with a further recommendation of investigation into the affairs of the company. Report mein, achha. Explain the law as to recommendation for the further investigation by the registrar. याद हो तो फर्दर रिकमेंडेशन कहाँ किया जाता है, रिपोर्ट में। रिपोर्ट कौन सी बनती है, सेक्शन 208 की। 208 की रिपोर्ट कैसे बनती है, ऑन द बेसिस ऑफ इंस्पेक्शन और इंक्वायरी अंडर सेक्शन 206 एंड 207। तो यानी कि 206 और 207 में इंक्वायरी एंड इंस्पेक्शन करने के बाद 208 की रिपोर्ट बनती है और इस रिपोर्ट में फर्दर रिकमेंडेशन दी जा सकती है टू इन्वेस्टिगेट इन टू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। ठीक हो गई बात। तो क्या आरओसी रिकमेंडेशन दे सकता है, द आंसर इज यस, दे सकता है। क्लियर। आगे क्वेश्चन नंबर 13। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिसिप्ट ऑफ अ रिपोर्ट ऑफ द रजिस्ट्रार असाइन एसएफआईओ टू इन्वेस्टिगेट द अफेयर्स ऑफ द एक्सवाईजेड गवर्नमेंट कंपनी। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल इन हिज पोजीशन इट वाज फाउंड दैट मिस्टर साहिब द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी वाज गिल्टी फॉर कंडक्ट ऑफ इट्स बिजनेस फॉर अनलॉफुल पर्पस। SFIO arrested the MD of the company, determined as to validity of the conduct of the act of the SFIO on the arrest of Mr. Sahib in connection with the investigation in the light of the Companies Act 2013। अगर आपको याद होगा तो अरेस्ट बाय SFIO के कुछ रूल्स बने हुए हैं। जब भी इसके बारे में लिखोगे तो सेक्शन 212 के साथ लिखना, तो मतलब लिखोगे कैसे, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 212 रेड विद द कंपनीज अरेस्ट इन कनेक्शन विद द इन्वेस्टिगेशन बाय द SFIO रूल 2017। अब याद करो, दो क्लासिफिकेशन रिवीजन वीडियो में भी रिकॉल करो, दो क्लासिफिकेशन हुए थे अदर देन गवर्नमेंट एंड फॉरेन कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी में कौन करेगा, डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर करेंगे विद द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, बट प्रायर इंटीमेशन देना पड़ेगा किसको, एमडी को और मैनेजर को। मगर अगर एमडी और मैनेजर ही इन्वॉल्व हुए तो फिर द पर्सन ऑथराइज्ड इन द कंसर्न्ड मिनिस्ट्री, ठीक है ना, द ऑथराइज्ड पर्सन ऑफ द कंसर्न मिनिस्ट्री, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के जो होते हैं उनको इंटीमेशन देना पड़ेगा।
अब इसके अंदर अगर मैं देखा जाए, कहता प्रोवाइडेड दैट इंटीमेशन ऑफ सच अरेस्ट शैल आल्सो बी गिवन टू एमडी और द पर्सन इन चार्ज ऑफ द अफेयर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी एंड वेयर द पर्सन अरेस्टेड इज एमडी और पर्सन इन चार्ज टू द सेक्रेटरी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री कंसर्न, मतलब एमसीए के सेक्रेटरी से आपको देना पड़ेगा। अब ये गवर्नमेंट कंपनी है, एमडी गिल्टी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल आपको चाहिए, यस। दूसरी बात, इंटीमेशन चाहिए, यस। ये अगर दोनों काम करते हो तभी क्वेश्चन क्या कहता है कि डिटरमाइन एज टू वैलिडिटी ऑफ द कंडक्ट ऑफ द एक्ट ऑफ द एसएफआईओ ऑन द अरेस्ट ऑफ मिस्टर साहिब। अब इन्होंने क्या ये प्रोसीजर फॉलो किया है या नहीं किया, ये क्लियर नहीं है। तो हम कहेंगे कि अरेस्ट जो है वो वैलिड तब होगा जब अबव प्रोसीजर फॉलो किया गया हो, तो बस। ये प्रोसीजर फॉलो करो, वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। आगे क्वेश्चन नंबर 14, एन इन्वेस्टिगेशन वॉज ऑर्डर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 216 ऑफ द कंपनी एक्ट अगेन पीकेआर लिमिटेड फॉर डिटरमाइनिंग द ट्रू मेंबरशिप ऑफ द कंपनी। इन कनेक्शन विद दिस इन्वेस्टिगेशन इट अपियर्स टू द ट्राइब्यूनल दैट देयर इज अ गुड रीजन टू फाइंड आउट द रेलेवेंट फैक्ट अबाउट 9% रिडीमेबल क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स इशूड बाय द कंपनी। And the tribunal is of the opinion that unless a restriction is imposed on the further of such share, जैसे ये word पढ़ो ना immediately concept दिमाग में आ जाना चाहिए। Investigation कर रहे हो कहाँ 216 के अंदर और restriction impose करनी है on the further issue of the shares। 216 further investigation मतलब कहाँ पर है restriction impose करनी है shares के ऊपर, मतलब कहाँ ले जा रहा है, 221 की तरफ ले जा रहा है, yes। ठीक है ना, याद करो मैंने कहा था 216, 210, 12, 13 के बेसिस पे 221 और 222 का जन्म हुआ था, कुछ याद है? चले फिलहाल आगे कहता है, अकॉर्डिंगली द ट्राइब्यूनल बाय एन ऑर्डर डेटेड 15/8/2018 डायरेक्टेड द कंपनी डेट फर्दर इशू ऑफ आरसीपीएस मतलब रिडीमेबल कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स शेल बी सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन फॉर द पीरियड ऑफ 4 ईयर। ये गलत है, ट्राइब्यूनल मैक्सिमम रेस्ट्रिक्शन कितने साल, 3 साल। Despite the order of tribunal as above, PKR Limited proceeded with the further issue. Oh my God, क्या पेनल्टी लगेगी? Yes, क्या 222 की पेनल्टी आपका इंतजार कर रही है? बिल्कुल कर रही है। अच्छा, 221 के अंदर रेस्ट्रिक्शन किस बात की है? एसेट्स के ऊपर, कितने साल की, 3 साल। 222 के अंदर रेस्ट्रिक्शन किसकी है? शेयर्स के ऊपर, कितने साल, 3 साल मैक्सिमम है 3 साल। अच्छा फिर क्या कहते हैं, डिस्पाइट द ऑर्डर ऑफ पीकेआर लिमिटेड प्रोसीड विद द फर्दर इशू ऑफ इन ऑर्डर टू फंड द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। मैंने बताया था अभी रिवीजन में भी बताया, 221 और 22 की पेनल्टी बहुत ढंग से याद करना। रेफरिंग टू द प्रोविजन एग्जामिन कैन द ट्राइब्यूनल रेस्ट्रिक्ट फर्दर इशू ऑफ आरसीपीएस इफ यस एज टू व्हाट पीरियड, मैक्सिमम 3 ईयर, सेक्शन 222। आगे व्हाट आर द पीनल प्रोविजन, सेक्शन 222 चिपका के आना है और क्या, बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, डैमेज लिमिटेड द कंपनी वॉन्टेड टू सस्पेंड मिस्टर जेड द CFO ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन बिंग कंडक्टेड अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 ऑन द ऑर्डर ऑफ द ट्राइब्यूनल। ओके, द कंपनी अप्रोच द ट्राइब्यूनल ऑन 3rd of January 2017 फॉर द प्रपोज एक्शन। द कंपनी ऑन 15th of February पास एन ऑर्डर फॉर सस्पेंशन विदाउट वेटिंग फॉर द ऑर्डर फ्रॉम द ट्राइब्यूनल। 3 जनवरी को कंपनी गई, 15 फरवरी को कंपनी ने ट्राइब्यूनल के ऑर्डर के बिना ही सस्पेंड कर दिया। कर सकती है कंपनी? द आंसर इज येस। क्यों? क्योंकि ट्राइब्यूनल तुम्हारे पास 30 दिन ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए, तो कंपनी वॉज जस्टिफाइड। अच्छा, कमेंट अपॉन द एक्शन टेकन बाय द कंपनी विद रेफरेंस टू द रेलेवेंट प्रोविजन। तो क्या कंपनी ने सही किया? बिल्कुल सही किया, आपको ये ऑप्शन ही नहीं है। सेक्शन 218 कहता है, 218 कहता है कंपनी अगर मतलब अपने खिलाफ अपने गवाही देने वाले अपने किसी एम्प्लॉय को निकालती है तो फिर ट्राइब्यूनल से के पास एक एप्लीकेशन फाइल की जाएगी। अगर ट्राइब्यूनल को इस पे ऑब्जेक्शन है तो 30 दिन के अंदर हो जानी चाहिए। 30 दिन के अंदर ऑब्जेक्शन रेज नहीं की तो इसका मतलब कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, फिर कंपनी इज जस्टिफाइड इन रिमूविंग सच और मतलब टर्म्स ऑफ कंडीशन चेंज करने में या सस्पेंड करने में कंपनी इज जस्टिफाइड। तो फिर यही लिखना पड़ेगा और क्या। शेल ऑप्टेन प्रायर अप्रूवल ऑफ द ट्राइब्यूनल ऑफ द प्रपोज एक्शन एंड इफ द ट्राइब्यूनल हैज नो ऑब्जेक्शन टू प्रपोज एक्शन इट शेल सेंड बाय द पोस्ट नोटिस देयर ऑफ इन राइटिंग टू द कंपनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट और द पर्सन कंसर्न। तो क्या कंपनी जस्टिफाइड है? येस, द कंपनी इज जस्टिफाइड। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे लिख लेना, दस एक्शन
by company is in accordance with सेक्शन 218। कंपनी ने 218 का नॉन कंप्लायंस नहीं किया, कंप्लायंस ही किया है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यहां सवाल ये उठता है कि क्या एम्प्लॉय के पास कोई ऑप्शन है? भाई 218 में एम्प्लॉय क्या अपील फाइल कर सकता है? 218 में तो अपील फाइल नहीं कर सकता, बट वैसे वो नॉर्मली एपीलेट ट्राइब्यूनल को अपील फाइल जरूर कर सकता है। ठीक है, चलो। अ ग्रुप ऑफ द क्रिएटर ऑफ MBIND ब्रॉन्ज लिमिटेड मेक्स अ कंप्लेंट to the registrar of companies Himachal Pradesh alleging that management of company is indulged in destruction and falsification of the accounting record of the company. The complainant requests the registrar to take the immediate step to seize the record of the company so that the management may not be allowed to tamper with the records. Milta julta question hai. Complaint was received as 11 p.m. aur ye MTP mein aaya tha, same as above. कर चुके हैं आगे। मिस्टर श्याम इज एन एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी एबीसी लिमिटेड, इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन हिम अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट। द कंपनी वांट टू टर्मिनेट मिस्टर श्याम ऑन द ग्राउंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम। 218 ABC Limited filed the application to tribunal for the approval of termination. However, not received any reply from tribunal within 30 days. Means company can remove him. The company considered it as a deemed approval and terminate Mr. Shram. Examine the given situation. Is the contention by company being valid in law? The answer is yes. Kya kar sakte hain? What is remedy available to Mr. Shram? Achha question tha ye. What is the remedy available to Mr. Shram if reply of the tribunal has been received within 30 days of the application? भाई साहब ट्राइब्यूनल के ऑर्डर की अवेलना हुई है, ट्राइब्यूनल के ऑर्डर की अवेलना हुई है, तब तो तुम बिल्कुल भी जा ही सकते हो, तब तो तुम जा ही सकते हो, बिल्कुल सेक्शन 218 के नॉन कंप्लायंस के लिए जा सकते हो, बट अदरवाइज जाना मुश्किल है। एपीलेट ट्राइब्यूनल के पास जाना थोड़ा सा मुश्किल है। अच्छा, एपीलेट ट्राइब्यूनल के पास जाना इसलिए मुश्किल है कि आप एपिलेट ट्राइब्यूनल के पास जाओगे कब? सोचो, एपिलेट ट्राइब्यूनल के पास, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मानूंगा मैं 17 को। आप एपिलेट ट्राइब्यूनल के पास जाओगे अगर ट्राइब्यूनल का ऑर्डर आया और ट्राइब्यूनल के ऑर्डर पे आपको कोई ऑब्जेक्शन है। मैं तो कहता हूँ ऊपर वाले को इस 17 में क्वेश्चन में कोई ऑब्जेक्ट, कोई ट्राइब्यूनल का ऑर्डर आया ही नहीं है, उसने तो कुछ कहा ही नहीं ट्राइब्यूनल ने, तो एपिलेट ट्राइब्यूनल के पास जाओगे कैसे, ये भी एक सवाल है। बट हाँ, अगर ट्राइब्यूनल का ऑर्डर आ जाता तो फिर मिस्टर श्रम अगर उस ऑर्डर के खिलाफ अपील फाइल करना चाहते हैं कर सकते हैं, हाँ, फिर अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास आपके पास जाने का ऑप्शन बनता है। ठीक हो गई बात? तो 1, 2, 3 बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। सबसे पहले 218 का पूरा प्रोविजन चिपकाने के बाद, उसके बाद टर्मिनेशन जो कंपनी ने किया वो वैलिड है 218 के अकॉर्डिंग। मिस्टर श्रम हैज नॉट एंड एनी रेमेडी अवेलेबल, तो अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास केवल तब आप कर सकते हो जब ट्रिब्यूनल के ऑर्डर पर आपको ऑब्जेक्शन हो, ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आया ही नहीं। मिस्टर श्रम कैन रेफर एन अपील टू द एपीलेट ट्राइब्यूनल विद इन 30 डेज। ठीक है ना? तो एपीलेट ट्राइब्यूनल के पास जब भी अपील जाती है तो हमेशा ट्राइब्यूनल के ऑर्डर के 30 दिन के अंदर अंदर जाती है, और एपीलेट ट्राइब्यूनल 90 डेज में ऑर्डर इश्यू करता है। NCLT वगैरह के चैप्टर में देखोगे तो वहीं होगी अपील फाइल। क्वेश्चन नंबर 18 बेहतरीन क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 18, 17, 18 बैक टू बैक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है डिसाइड द लायबिलिटी ऑफ द पर्सन फॉर कमीशन ऑफ द एक्ट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंस्पेक्शन इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन अंडर द कंपनीज एक्ट। ओके, अ पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू मेक स्टेटमेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग अगेंस्ट इट्स कंपनी is a party to the manipulation of the document relating to transfer of the securities and naming of the holders in the register of member by the company. Oh my god, कंपनी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और ये व्यक्ति इज अ पार्टी है टू द मैनिपुलेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू द ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी एक्सेट्रा। सेक्शन 229 इसका इलाज करता है। कहता है अगर कंपनी इन्वेस्टिगेशन में है और कोई व्यक्ति डिस्ट्रॉय करता है, म्यूटिलेट करता है, फॉल्सिफाई करता है, कंसील टेम्पर वगैरह करता है, या पार्टी उनकी बनता है, फॉल्स स्टेटमेंट देता है, फॉल्स एंट्री करता है, तो 247 के अंदर उसे पकड़ा जाएगा। तो क्या यहां पर ये केस वहां पे फॉल कर रहा है? यस, क्योंकि कंपनी इन्वेस्टिगेशन में है और इसने ये सारे गुल खिलाए हैं। दोनों केस अलग अलग हैं। केस नंबर 2, एन एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी पब्लिसाइज्ड
among his social networking of sound financial position of his organization in order to incite them to purchase the share of its company. And actually the company was running in losses. एक एम्प्लॉय ने कंपनी के सोशल मीडिया पर एडवर्टाइजमेंट किया कि बहुत साउंड कंपनी है और कंपनी एक्चुअल में लॉसेस में थी और इस तरीके से उसने शेयर कंपनी के परचेज करवाए हैं तो झूठ बोला है. यस, तो बताइए क्या वो 229 में लाइबल है? द आंसर इज नो. इवन दो एक सेक्शन है सेक्शन 36, उसमें वो लाइबल है प्रोस्पेक्टस का, बट यहाँ 229 में लाइबल नहीं है क्योंकि 229 में लाइबल होने के कंपनी का इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है. कंपनी मस्ट बी अंडर सम इन्वेस्टिगेशन, जो कि यहाँ पर नहीं है. यहाँ पर नहीं है, जैसे यहाँ दिया हुआ ना, ये ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यहाँ नहीं दिया हुआ. तो केवल अपने शेयर्स बिकवा रहे हो, कंपनी का इन्वेस्टिगेशन के बारे में कहीं नहीं लिखा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है. आपका 229 में कुछ नहीं बिगड़ेगा. 229 में आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा. समझ आया? तो देखिएगा, एम्प्लॉय शैल नॉट बी लायबल एज अ कंपनी इन विच इज एन एम्प्लॉय इज नॉट अंडरगोइंग इन्वेस्टिगेशन. ठीक है, मगर सेक्शन 36 इसका रेफरेंस कर दिया नहीं क्योंकि इंटर का सेक्शन है, तो वहां पे ये लायबल होता है. क्वेश्चन नंबर 19, द शेयर होल्डर ऑफ कुमार लिमिटेड पास्ड एन एसआर डिड द अफेयर्स ऑफ द कंपनी ऑट टू बी इन्वेस्टिगेटेड. द कंपनी सबमिटेड द स्पेशल रेजोल्यूशन टू द सीजी. Examine explaining the relevant provision of the Companies Act where the power of the CG to order an investigation is mandatory or discriminatory. The answer is discriminatory. क्योंकि जब कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके सीजी को कहती है कि इन्वेस्टिगेशन करो, तो वर्ड लिखा है सीजी मे ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन ऑन द बेसिस ऑफ मे, बट सीजी शेल ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर फ्रॉम द ट्राइब्यूनल. जब ट्राइब्यूनल का ऑर्डर आएगा 213 में तो सीजी शेल, बट अदरवाइज एसआर के बेसिस पर या रिपोर्ट अंडर सेक्शन 208 के बेसिस पर या इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक सीजी में. तो डिस्क्रिमिनेटरी पावर है? द आंसर इज यस, मैंडेटरी नहीं है. तो पूरा 210 चिपका दोगे, उसके बाद लिखोगे पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज डिस्क्रिशनरी पावर. सॉरी, मैं डिस्क्रिमिनेटरी बोल रहा हूं, डिस्क्रिशनरी पावर मतलब अपनी इच्छा की पावर है. Enumerate the procedure to be followed by the SFIO to arrest a person who has been found guilty of an offence committed under the section 447. भाई साहब पूरे rules लिख के आना, पूरे rules साथ में लिख के आना, 212 along with rules. पूरे rules चिपका के आना. ठीक हो गई इतनी बात? चले ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 21. ये इस बार नवंबर 19 का क्वेश्चन था. A group of shareholder of Messrs. FMG Limited made a complaint to the concerned registrar of company that business of company is being carried on for unlawful and fraudulent purpose and filed an application to inquire into the affairs of the company. Okay, group of shareholder. Referring to an analysis of the company, decide whether the ROC has the power to order for an inquiry. बच्चे ना बहाव में बह जाते हैं. जैसे ही shareholder देखा ROC को complain किए हैं, तो इसका मतलब इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी होगा. हम देखते भी नहीं हैं कि क्या लिखा है. उसने लिखा है कि आरओसी क्या इंक्वायर कर सकता है इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, यानी कि किस पे चर्चा हो रही है. क्या आरओसी इंक्वायर कर सकता है इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी? यह सेक्शन 206 पे चर्चा हो रही है. आरओसी के पास इंक्वायरी की पावर 206 सबसेक्शन 4 में है. याद आया? 206 सबसेक्शन 4 में आरओसी ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन और रिकॉर्ड सबमिटेड टू इट मे ऑर्डर फॉर इंक्वायरी. याद आया? रूप प्रोवाइड करेगा आरओसी, वो सारा लिखना था. स्टेट द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय आरओसी. आरओसी विल प्रोवाइड द रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. तो ये प्रोसीजर है 206 4, अगेन वही चिपकाना था.
Whether the inquiry should be pursued by the ROC in case the complaint is withdrawn by the same group of shareholders subsequent to the order of inquiry. देखो जी, ऐसा अगर एक बार इंक्वायरी हो गई, एक जनरल क्वेश्चन, कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछा था, ये लॉ में नहीं होगा, कॉमन सेंस था। एक बार अगर आरओसी ने इंक्वायरी शुरू कर दी तो उसके बाद कंप्लेंट विड्रॉ करने का फायदा नहीं ना। आरओसी थोड़े ना आपके हाथ का स्विच है कि आपने दबाया तो उसने कहा चलो आगे बढ़ो, फिर दबा, फिर आपने ऑफ किया तो वो कहता चलो रुक जाएंगे। भाई अगर हो गई इंक्वायरी तो हो गई, क्योंकि आरओसी इंक्वायरी आपकी कंप्लेन के बेसिस पर ही नहीं बल्कि आपके कंप्लेन के बेसिस पर और अपना दिमाग लगाने के बाद करता है। तो अगर विड्रॉ भी हो गई अपील तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, whether the CG has the power to direct the ROC to carry out the inquiry, the answer is yes. CG भी ROC को कह सकती है, और CG जब कहेगी तो CG कहेगी where the circumstance of warrant, CG may order the ROC to conduct the inquiry even without the reasonable opportunity of being heard. कहाँ लिखा है? 206 में लिखा है, सबसेक्शन 4 में लिखा है, सारा 206 सबसेक्शन 4 यहाँ के चिपका के दे दिया इसने। तो वैसे तो मैंने अपनी बुक का 206 सबसेक्शन 4 का मतलब पूरी बुक का चैप्टर ही इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन टेलीग्राम के पेज पे डाला है, और वहां से आप देख सकते हो सेक्शन 206 सबसेक्शन 4, और इस क्वेश्चन का आंसर भी मैं पोस्ट आपको कर दूंगा। तो फिलहाल ये था आपका पूरे का पूरा इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन का चैप्टर। अब आप तैयार रहिएगा इसके टेस्ट के लिए, हम मिलेंगे इसके टेस्ट के साथ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, और मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो।